नो, कौन बोला, मैं तो प्यार में हूं ऑलरेडी, आई डू लव मायरा, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप से जो मुझको एक एक्सपीरियंस मिला, वो ये मिला कि काम के लिए रोका जाता था कि ये मत करो, वेब सीरीज में किस सीन है प्लीज मत करो, डोंट डू इट, सीरीज ही मत करो. अरे भाई, मुझे कैसोनोवा बना के शो के अंदर लेके गए हैं, कल को मुझे वेब सीरीज मिलेगी तो शायद ऐसी मिलेगी कहाँ जहां मुझे शायद किस करना ही पड़ेगा. और ठीक है, वो शो में थोड़ा बहुत हाइप देने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो उन्होंने किया तो मैंने भी मिलके कर लिया कि चलो ठीक है सर, लेट्स मेक इट अ हिस्ट्री. तो वो एक हिस्ट्री बन गई कि हाँ भाई, सलमान सर मेरे से झगड़े थे और मैं भी झगड़ा था, तो पर कोई झगड़ा नहीं था, वो एक भाइयों वाली बातचीत थी, एक मेंटोर वाली बातचीत थी. मेंटोर ने डांट दिया अपने चेले को और चेला भी सही था तो वो भी झगड़ लिया. मैं 3 साल का था, मुझे मेरे डैड की शक्ल भी नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता ही नहीं है. मुझे तो बस ये पता है कि मेरी माँ ही मेरी माँ है और मेरी माँ ही मेरा बाप है और मेरी माँ ही मेरी बहन है. तो मैं अपनी हर चीज अपनी माँ से शेयर करता हूँ. मेरी पहली जो जॉब थी वो व्हील कवर फैक्ट्री की थी. तो उस बंदे ने मुझे निकाला था 1 महीने के अंदर, बोलता है कि ये लड़का कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा. तो पर ये है कि हाँ, जब जब मेरा मॉरल डाउन हुआ है, जब जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस हूँ अपने काम को लेके या अपने किसी भी चीज को लेके, तो मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है. मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ एक ढाल बन के खड़ी रही है. पारस, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी. स्प्लिट्स विला करना, फिर बिग बॉस करना, उसके पहले भी हमने देखा है कि आपने काफी टेलीविजन शोज भी किए थे, लेकिन जो पॉपुलैरिटी, आई हैव प्लेड दुर्योधन, आई हैव प्लेड रावण, द बिगेस्ट विलन इन द वर्ल्ड, लेकिन जो पॉपुलैरिटी आपको बिग बॉस से मिली, यू नो, उसका कंपैरिजन हम किसी से भी नहीं कर सकते. जब इतना टाइम लगा, स्प्लिट्स विला इतने सालों पहले हुआ था और फिर बिग बॉस हुआ, उसमें इतना गैप रहा, हाउ वाज द पीरियड? देखो, स्प्लिट्स विला करके एक 13 एपिसोड्स हुए थे 2012 में और वो वीकली दिखते थे. तो उस उन 13 एपिसोड से एमटीवी की एक जो ऑडियंस थी, जो यूथ ऑडियंस थी, उन्होंने मुझको कैच कर लिया था, दे स्टार्टेड लविंग मी. तो वो फेम मेरे पास एक यूथ वाला पहले से था, तो वही सपोर्ट मेरा जब तक मैं सीरियल के टाइम में था, जब तक मैं बिग बॉस में नहीं आया, तब तक वो सपोर्ट रहा है और अभी भी वो सपोर्ट है. जिन लोगों ने मुझे स्प्लिट्स विला में पसंद किया है, वो लोग मुझे आज भी पसंद करते ही हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे हट गए हूँ, तो सारे पसंद करते हैं, सारे जानते भी हैं कि तो ड्यूरिंग द पीरियड टिल द बिग बॉस, तब तक भी फैन फॉलोइंग रही है, सबने सपोर्ट किया है. और सीरियल्स करके भी थोड़े बहुत और फैंस भी आते गए, थोड़े बहुत छोड़ते, पर बिग बॉस वाज लाइक बिगेस्ट थिंग, क्योंकि वो तो सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने प्यार किया, तो सभी लोगों को पता है कि कौन है पारस. और जो जो लोग फॉलो कर सकते हैं वो करते हैं फॉलो और प्यार करते हैं. तो ये जो जर्नी है बहुत ही प्यारी जर्नी है, कभी सोचा नहीं था कि इतना आगे भी आ जाएंगे हम. और जो फैंस का जो प्यार है वो मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम ही रहे और ऐसे ही प्यार करते रहें और हर चीज में सपोर्ट मेरा करते रहें, और जहां मैं गलत हूँ मुझको बताएं कि हाँ ऐसा भी है. तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है मेरी 2012 से लेके अभी तक. यू नो, लेकिन जब एक एक्टर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो चाहता है कि वो हर घर में उसका नाम हो और वो हर कोई उसको जानता हो, हर एज ग्रुप, जो कहीं ना कहीं आपको बिग बॉस ने दिया. लेकिन जो 2012 से 2020 तक का सफर था, वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा, क्योंकि आप काम तो कर रहे थे लेकिन वो फेम. मैं सीरियसली बताऊं, 2011 में मैंने मॉडलिंग शुरू की थी. उसके बाद मुझे 1 साल के अंदर मैंने स्प्लिट्स विला कर लिया और जीत गया. फिर मेरी वही मॉडलिंग चल रही थी एंड आई वाज ट्राइंग फॉर सीरियल्स. मैंने पता नहीं कितने ऑडिशन दिए होंगे 2015 तक. और एक टाइम के बाद तो मैंने हार मान ली थी कि यार, 2015 में मैंने वापस से स्प्लिट्स विला किया एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट. तब तक मेरी मॉडलिंग ही चल रही है एंड आई एम ट्राइंग हार्ड कि मेरा कुछ सीरियल में हो जाए या फिर कहीं हो जाए. तो मैं एपिसोडिक्स करता था, जैसे प्यार तूने क्या किया हो गया और 2 दिन ऐसे सिंगल ऐसे होते हैं, वो करता रहता था. तो मुझे लगता रहा, हर कोई मुझे देखेगा तो अरे देखो तो सीरियल यूं मिल जाएगा यार, लीड में ऐसे मिल जाएगा फटाफट से. बट आई वाज ट्राइंग हार्ड, ऑडिशन दे रहा था, कहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा था. फिर 2015 में वापिस से मुझे स्प्लिट्स विला वालों ने बुलाया, तो फिर से एक मेरा बूम हुआ, एक कमबैक हुआ, फैंस ने वापिस से मुझे कैच किया और फिर थोड़ा सा बूस्ट आया मेरे अंदर. फिर 2016 में मेरे पास कुछ काम नहीं था, आई हैड नथिंग इन माई पॉकेट.
एक मैंने शूट किया होगा पूरे साल में और मैं हार मान चुका था, मैं मुंबई से वापस जाने वाला था दिल्ली और मैंने सोच लिया था कि यार मैं क्या करूं, पैसे कैसे कमाऊंगा, मतलब मुंबई में रहना इतना मुश्किल है बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। तो मैंने क्या किया था कि आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी। मेरा एक दोस्त है वो कहता है भाई तेरी इतनी अच्छी है फोटोग्राफी, तू एडिटिंग भी इतनी अच्छी करता है, सब कुछ कर लेता, तू पोर्टफोलियोज क्यों नहीं बनाता। तो मैंने पोर्टफोलियोज बनाना शुरू किए, तो एक महीने में मैंने 5 पोर्टफोलियो किए एंड आई अर्नड अराउंड 2.5 लाख रुपीज। तो मैंने कहा भाई यार ये तो बढ़िया चीज है। तो इतने में फिर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बड़ो बहू कि आपको ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा जब मैं कुछ और पकड़ने लग रहा हूँ तो भी आ रहे हैं मेरे पास। फिर आई गॉट दिस बड़ो बहू, तो बड़ो बहू से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने एज अ मैं 3 महीने के रोल के लिए कैमियो रोल के लिए गया था, बट बड़ो बहू वालों ने मुझको इतना पसंद किया, ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि उन्होंने मेरा जो ट्रैक था वो टिल दी एंड तक शो में रखा और मुझे नेगेटिव लीड बना दिया था। तो बड़ा पसंद किया उन्होंने मेरी एक्टिंग को, हर चीज को। तो वो एक कहीं ना कहीं ग्रोथ वहां पे एक एज एन एक्टर शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने एक आरंभ करके शो किया था जहां पे आई वाज प्लेइंग काल केतु, नेगेटिव रोल किया था मैंने 10 दिन का। फिर मुझे वापिस से बड़ो बहू किया, दो पार्ट किया था, बीच में मेरा एक ब्रेक था। फिर उसके बाद आई रावण का रोल, ओ सॉरी दुर्योधन का रोल स्टार प्लस पे, दैट वाज द मेन नेगेटिव लीड। फिर वो जब शो खत्म हुआ तो फिर मुझको रावण का रोल मिला जो कि मैं सोनी पे करता था बिग नर्तक गणेश में, तो वो मेरा काफी अच्छा चला। और उसके साथ मुझे जी का एक आघोरी शो मिला था जिसमें आई वाज प्लेइंग आघोरी नेगेटिव लीड, मतलब नेगेटिव लीड नहीं था पर हाँ नेगेटिव एक प्ले करता, काफी इंपॉर्टेंट रोल था वो। तो वो भी मैंने टिल द एंड तक शो में किया। देन आई गॉट दिस बिग बॉस। तो जो 2017 से लेके 2020 तक मैं एज एन एक्टर ग्रोथ किया रैदर देन कि मैं फेमस 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 हो जाऊं, बहुत ज्यादा लोग मुझको देखें, पर एज एन एक्टर मैं थोड़ा ग्रो किया। फिर 2019 में आई गॉट दिस बिग बॉस और बिग बॉस से तो आपको पता ही है एज एन एक्टर नहीं बट एज पारस छाबड़ा में मुझे लोग जानने लगे। तो नाउ पीपल आर सीइंग कि जो जो मैंने काम किया है कि मैंने कैसे एक्टिंग करी है, मैं कैसा एक्टर हूँ, काम करने में कैसा हूँ, तो वो लोग अब देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। और अब नए नए काम को लोग देख रहे हैं। जी एक स्मॉल टाउन से आना और यहाँ आके अपनी पहचान बनाना विदाउट अ गॉडफादर, विदाउट जान पहचान, कितना डिफिकल्ट रहा है और स्पेशली फैमिली सपोर्ट कितना रहा है पारस? देखो मेरी फैमिली में तो मेरी सिर्फ मम्मी ही है और मेरी मम्मी कोई इतने पैसे वाली तो है नहीं कि मेरी हर चीज को पूरा करे। और मैं भी इतना बड़ा घोड़ा हो चुका हूँ तो मुझे तो अपने अपना केयर करनी ही चाहिए और साथ के साथ अपनी मम्मी की भी केयर करनी चाहिए, है ना। तो पर ये है कि हाँ जब जब मेरा मॉरल डाउन हुआ है, जब जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस हूँ अपने काम को लेके या अपने किसी भी चीज को लेके, तो मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ एक ढाल बन के खड़ी रही है कि नहीं तू टेंशन मत ले, तू करेगा। पहले मैं बोलती थी कि तू नहीं कर सकता, पर तू स्प्रिट्स विला जब जीत के आया तो मुझे लगा तू कर सकता है, तो तू सब कर सकता है, तू टेंशन मत ले, टाइम होता है, टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। तेरे पास अगर आज ये चीज नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में होगी, तब तब होएगी जब तू इसकी वैल्यू करने लगेगा। शायद तेरे को भी वैल्यू नहीं है, इसमें से तेरे को कोई चीज नहीं मिलती। तो मेरी मम्मी मुझको ज्ञान बहुत देती रहती है, समझाती रहती है, तो उनकी बात को मैं समझता हूँ अच्छे से कि वो क्या बोलती है। और माँ जो बोलती है वो तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही बोलती है, वो तो कभी बुरा बोलती ही नहीं ना। तो माई मॉम हैव सपोर्टेड मी अलॉट। और हाँ During this time, बहुत easy time भी था, पर कहीं ना कहीं एक kind of depression भी था कि यार इतना काम कर रहे हैं पर वो चीज क्यों नहीं मिल पा रही है जो चीज चाहिए। वो बिग बॉस करने के बाद मिली, वो सारा प्यार बिग बॉस के बाद मिला। तो बिग बॉस को तो बहुत बहुत थैंक्स है मेरी तरफ से और कलर्स को भी कि दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हाँ मुझको इतना उन्होंने काबिल बना दिया कि आज लोग मुझे हर कोई जानते हैं और बहुत से लोग काम करना चाहते हैं मेरे साथ। डोमिनेट किया गया प्लस रिजेक्ट किया गया कुछ शो में साइन करने के बाद एंड मोमेंट हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वही लगता है कि मुझे शायद मेरा टाइम सही नहीं था उस टाइम। तो मुझे बहुत यार क्यों होता है मेरे साथ ऐसे, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले मुझको स्टैमरिंग प्रॉब्लम थी, अभी भी मैं कभी कभी जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो हकलाने लगता हूँ कभी कभी, या मैं बहुत थका होता हूँ। तो एक
तो डायलॉग बोलने में आउट नहीं है, पर व्हेन यू रीच स्टॉप कर सकते हो वो एक अलग मैटर है, पर जब तक आपने एक्टिंग नहीं की होती तो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता ना आपके साथ काम करके, कि यार अगर इसने अच्छा नहीं किया तो, या फिर टाइम वेस्ट किया तो, रिप्लेस वालों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो उस चीज में से रिजेक्शन है जो मैं बात स्टाइल में बात करता हूँ, तो एक उस चीज की वजह से रिजेक्शन, कभी मेरी हाइट की वजह से रिजेक्शन, मैं हूँ 6'1" का पर आई एम ब्रॉड, तो वो लगता नहीं है लोगों को, लगता है कि हाइट भी शायद थोड़ा छोटा है, और स्क्रीन पे भी मैं इतना ज्यादा लंबा नहीं लगता क्योंकि मैं ब्रॉड हूँ, तो जब मिलते हैं तो कहते हैं यार ये तो बहुत लंबा है, सीरियस में लड़कियां छोटी छोटी हाइट की होती है 5'4" 5'5" तक, तो उनको होता है कि यार मैच नहीं करेगा, तो उसकी वजह से रिजेक्शन, कहीं पे एक्टिंग अच्छी नहीं करी, रोल को सूट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से रिजेक्शन से आई, और हार मान चुका था, डिप्रेशन एंग्जाइटी में था मैं, मेरे पास घर कैसे चलाऊं, वो घर चलाने के लिए फिर मैंने फोटोग्राफी शुरू करी, फिर जब फोटोग्राफी शुरू करी तो भगवान ने कहा अच्छा अब तू हार मान चुका है, देखो वैल्यू हो गया, ओके बेटा ले गाना ले, ले तू अपना सीरियल ले, तथास्तु, तो जाके मुझे सीरियल मिला, और वो जो सीरियल भी किया मैंने बिल्कुल शुरुआत से किया था, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे 3 महीने का रोल था मेरा, फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो आई स्टार्टेड विद 5,000 rupees पर डे, व्हिच इज लाइक नथिंग, कुछ नहीं होता, तो मैं बोलूंगा जो भी शायद मेरी लाइफ में हो रहा है, जो भी हुआ है, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर मैं इसको ढंग से किसी को बताने पे आऊं तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक ये स्ट्रगल टाइम से लेके ऊपर तक जाने की स्टोरी है, और ये रियल स्टोरी है, क्योंकि पहले मैं जब किसी भी एक्टर की स्टोरी सुनता था जो वो बताते थे, जैसे कुछ बोलते थे कि हम रोड पे सोते थे, कोई कहते थे हम स्टेशन पे सोते थे, कोई कहता हम धनिया 10 रुपए का लेके 20 रुपए का बेचते थे अपना घर चलाने के लिए जी। तो जब ऐसे लोग करते थे तो मुझे लगता था कि सीरियसली ऐसा होता है क्या, पर शायद मेरी सिचुएशन अलग है, उनकी सिचुएशन अलग थी, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ काइंड ऑफ कि काम नहीं था, पर अभी काम है, बस भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोग पसंद करते हो सारे के सारे, तो गाड़ी चल रही है। पारस, जैसे आपने अभी भी इंटरव्यू के दौरान कहा कि रिजेक्शन पीरियड काफी टफ रहा आपका, यू नो बिग बॉस के घर में भी जब लोगों को अपनी जिंदगी से एक ऐसा राज शेयर करना था, उसमें भी आपने अपने स्टैमरिंग इश्यूज के बारे में बताया था, तो वो पीरियड कितना डिफिकल्ट था, स्कूल डेज में उसकी वजह से कितना बुली होना पड़ा, किसने आपको मोटिवेट किया, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, हाउ डिड यू डेल्ट विद दैट फेज एंड यू नो ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। देखो सिर्फ मुझे लगता है मोटिवेट करने के लिए मेरी लाइफ में से मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही मुझको मोटिवेट करती है, और बाकी तो सब मजे करते थे, है ना, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता था ढंग से, मैं जैसे ना मेरे नाना जी मुझको बोलते थे, वो यूपी में रहते हैं तो यूपी से मुझे फोन करते थे, बोलते हैं बोल के दिखा आज सरदार की छुट्टी है, तो मैं एक तो सरदार नहीं बोल पाता था और छुट्टी नहीं बोल पाता था, तो मेरा ऐसा होता था आज अटक जाता था, मैं सरदार पे अटक जाता था, सरदार की जगह सरदार बोल देता था, छुट्टी की जगह कुट्टी बोल देता था मैं, तो मेरे पास वो कंट्रोल नहीं था मेरी जुबान पे कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूं, पर वो इवेंचुअली जब धीरे धीरे, जब मैं मुंबई में आया सबसे पहली बार, जब मैं मुंबई में आया तो जब मेरा मुंबई में ऑडिशन जब मैं देने लगा था, जब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ता था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कंसंट्रेशन वाइल टॉकिंग, क्योंकि स्टैमरिंग उन लोगों को होती है जो ज्यादा सोचते हैं, जो जल्दी जल्दी बोलना चाहते हैं अपनी बात को, अपने अपने विचारों को जल्दी रखना चाहते हैं, तो मैं थिंकर हूँ एक, बहुत ज्यादा सोचता हूँ मैं, सोच के फटाफट बोलता हूँ, मतलब सोचता भी नहीं हूँ बोलने से पहले, पर बोल देता हूँ जो दिल में दिमाग में होता है ना, फट से निकाल देता हूँ, तो उसकी वजह से काफी बार मेरी ट्रोलिंग हुई, आपको तो पता ही है। तो ऐसा था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगा, फिर मैं ऑडिशंस करने लगा, तो जब मैं ऑडिशंस में हकलाता रहा तो फिर मुझे तब लगता रहा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अपनी सांसों पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी वोकैबुलरी पे कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना चाहिए बोलने तक। तो जब वो धीरे धीरे, मुझे लगता है कि जो 3-4 साल मुझे काम नहीं मिला, 3-4 साल मुझे लगता है मेरे भगवान ने वो स्क्रिप्टें पढ़वा के मुझको ठीक किया, मेरी स्टैमरिंग प्रॉब्लम मुझको ठीक की है मेरी। तो वो मुझको जो स्क्रिप्ट पढ़ना और वो सीरियल्स करना, ये चीजें मुझको ना बहुत उन्होंने ही मुझे एक्टर बनाया बेसिकली, मेरी स्टैमरिंग ठीक करी, मेरी एक्टिंग ठीक करी, मेरे बोलना चलना ठीक किया। बिग बॉस मुझको पढ़ने के लिए देते थे कि पारस पढ़ो, तो शायद उनको मैं अच्छा लगता था पढ़ने में कि मैं सही पढ़ता हूँ, तो इसलिए वो मुझे पढ़ने के लिए देते थे, और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती थी कि बिग बॉस मुझे वो लेटर पढ़ने के लिए देते हैं, कि मैं आज इतना अच्छा बोल लेता हूँ शायद कि वो मुझे पढ़ने के लिए देते हैं बार बार, पारस जाओ जाके पढ़ो,
कि लोगों को समझ आती है नई चीजें. तो आई वॉज रियली ग्लैड, मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि चलो मैं ओवरकम हो गया इस चीज से, मेरी स्टैमरिंग प्रॉब्लम ठीक होगी. क्योंकि स्पिट्स वाला 12 के बाद मुझे अच्छे से याद है उसके एक दो कंटेस्टेंट जो मेरे से जैसे जो कम्पीट कर रहे थे, जो हार गए थे मेरे से, तो उनका एक कहना था ये क्या करेगा, ये तो हकलाते हकला है, ये इसको कौन देगा सीरियल हकले को. तो आज की डेट में दे आर नोवेयर, आई एम हियर. तो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट. और अपने पे मैंने काम किया बहुत, और खुशी है मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा कि मैं इन चीजों से ओवरकम हो पाया हूँ और ये सब चीजें जो मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक है. बट इसके वजह से क्या स्कूल डेज में या ग्रोइंग अप इयर्स में, कॉलेज डेज में प्रॉब्लम हुई? हाँ, होती थी. मजाक बनाते थे स्कूल में बच्चे, क्लास में बच्चे. पर हाँ ये है कि मैं थोड़ा लंबा चौड़ा स्टार्टिंग से रहा हूँ तो डरते भी थे मेरे से. पर ये भी है कि जिसने मजाक बनाया तो मैं भी साथ में हंस देता था, क्योंकि मुझे पता है कि वो जब मजाक बनाते थे तो वो भी फनी साउंड करते थे, तो शायद मैं भी फनी साउंड करता था इसलिए वो मजाक बनाते थे. तो लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है उनके साथ, यहाँ तक कि मेरी कजन बहन है मेरा, वो भी मजाक बनाती थी. आज के डेट में वो हकले और मैं ठीक हो गया. मेरा जिसने मजाक बनाया वो सारे हकले हो चुके हैं, आज मैं ठीक हो गया हूँ. लेकिन आपने इसको हमेशा पॉजिटिव में लिया, मतलब अपने आप को ज्यादा उससे परेशान होने नहीं दिया. हाँ, क्या फायदा ना, पता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और किसी को उसके साथ फन करने में मजा आ रहा तो करते रहो भाई, ठीक है कोई बात नहीं. कमी है तो है, यू कांट हेल्प इट. या तो यू कैन टेक इट नाइसली और यू कैन बी अग्रेसिव ऑल द टाइम, एंड आई कांट बी अग्रेसिव ऑल द टाइम. सो इट्स बेटर टू टेक इट नाइसली. अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं, उड़ा ले कर ले. तो या इट्स लाइक दैट. यू नो ऑन अ पर्सनल लेवल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बचपन में यू लॉस्ट योर फादर आल्सो एट अ अर्ली एज. उस इंसिडेंट ने या उस वाक्य ने कितना ज्यादा आपको कितनी जल्दी मैच्योर बनाया, या फिर किस तरीके का वो रहा आपके लिए? शायद मैं मैच्योर हो जाता, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझको बहुत ही अच्छे से पाला पोसा है, बहुत ही अच्छे स्कूलिंग कराई थी मेरी मम्मी ने. जब तक मेरी मम्मी में हिम्मत थी मुझे पढ़ाने की, तो मैंने फिर 12th करने के बाद अपना जो कॉलेज था जो कॉरेस्पॉन्डिंग से किया था मैंने, ओपन से किया था, ओपन स्कूलिंग की थी. क्योंकि मैंने जॉब बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी थे और हमारा हम अपने मामा उन्हों के साथ रहते थे, वी हैड अ जॉइंट फैमिली. तो मामा हमारी टेक केयर करते थे और मेरी मम्मी भी जॉब करती थी उनके साथ ही फैक्ट्री में थी. तो जब लॉसेस हुए तो उसके बाद फिर माय मॉम स्टार्टेड वर्किंग इन अ ज्वेलरी शॉप एज अ जो सेल्स मैनेजर होते हैं. तो शी स्टार्टेड डूइंग जॉब देयर इन दिल्ली. फिर उसके बाद मुझे लगा कि इतने पैसों में तो गुजारा नहीं हो पाएगा, सो इट्स बेटर कि मैं भी कुछ शुरू कर दूं. बेशक 4-5 हज़ार ही कमा लें तो इतने में घर का रेंट निकल जाता है, बट BHK का वी कैन स्टे आराम से, बाकी मम्मी के खर्चों से यू नो वी कैन हमारा घर चल जाएगा. तो हाँ, मैंने बहुत जल्दी जॉब शुरू की थी. मैंने कॉल सेंटर्स कम से कम 15-20 कॉल सेंटर्स में जॉब करी थी और हर जॉब से मुझे निकाल देते थे क्योंकि मेरी एज ही नहीं थी, मैं 18 साल का हुआ ही नहीं था. और व्हील कवर फैक्ट्री में मैंने जॉब करी थी, मेरी पहली जो जॉब थी वो व्हील कवर फैक्ट्री की थी. तो उस बंदे ने मुझे निकाला था 1 महीने के अंदर, बोलता है कि ये लड़का कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा. और मैं सीरियसली बोलूं मुझे ये बात याद थी और ये दिमाग में बसी हुई थी. और उसके बाद जब मैं बिग बॉस करके आया, तो मैंने उसी बंदे को फोन करवाया जिस बंदे ने जॉब लगवाई थी. मैंने कहा आज उससे पूछे जा रहा कि मैं कुछ लाइफ में कर पाया हूं कि नहीं. तो ये भी बदले मैंने लिए हैं अपने, जिसने बकवास मारी ना उनको मैंने रियलाइज दिलाया कि मैं किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए. तो जॉब करता था, फिर मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब करी. उसके बाद मैंने जो टैक्सी ड्राइविंग होती है उसकी जो कैब्स होती हैं, जो कैब बुकिंग करते हैं, तो वहां पे मैं हुआ करता था कॉल सेंटर में. क्विक कैब जैसे दिल्ली में आई थी तो बीच में जब 15 रुपए किलोमीटर कैब चलती थी तब मैं वहां पे जॉब करी है. फिर उसके बाद मैंने सलोन में जॉब करी है एज अ मैनेजर. फिर मैं आया जिम में एज एन असिस्टेंट मैनेजर. फिर मैं वहां पे मैनेजर बना. फिर उसके बाद मैंने कोल्ड स्टोरेज में जॉब करी. तो बहुत सारी जॉब्स करी है, हर जॉब से निकाला गया ये बोल के कि ये जॉब तेरे लिए नहीं है. तो मैं सोचता था मेरे लिए है क्या. तो फिर वो अपने आप ही आई गॉट एन ऑफर फॉर अ मॉडलिंग. तो फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहां से स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ रियल स्ट्रगल कि मुझे क्या करना है लाइफ में. उससे पहले तो बस ये था कि यार घर में बस कुछ पैसे आ जाए, घर का रेंट निकल जाए, घर चल जाए, बहुत है. चाहे जॉब कोई भी हो, है ना, मतलब डिसेंट जॉब, कोई ऐसे गंदी जॉब नहीं, कोई गंदे काम नहीं, अच्छे काम जो नॉर्मल एक दिल्ली में
किसी का कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का लड़का या लड़की करते हैं जॉब, है ना, कि किसी होटल लाइन में, तो मैंने हर जगह ट्राई की कहीं तो कुछ हो जाए. पर हाँ, भगवान हमारे साथ रहे हैं, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें मेरी पूरी करते रहे हैं कि मतलब जरूरतें पूरी होती रहे. तो बस मुझे लगता है आज जो इतने टाइम से जो किया है, आज उसी का फल दिया है भगवान ने कि चलो अच्छा करो लाइफ में, तुमने बहुत सहा है, बहुत किया है, तो फिर बस यही है स्टोरी. आपके मेमोरीज क्या रहे हैं आपके डैड के साथ? मैं 3 साल का था, मुझे मेरे डैड की शक्ल भी नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता ही नहीं है. मुझे तो बस ये पता है कि मेरी माँ ही मेरी माँ है, और मेरी माँ ही मेरा बाप है, और मेरी माँ ही मेरी बहन है. तो मैं अपनी हर चीज अपनी माँ से शेयर करता हूँ, चाहे कोई भी बात हो, चाहे लड़कों वाला टॉपिक हो या कुछ भी हो. तो मेरी मम्मी ने मुझको हमेशा से एज अ फ्रेंड रखा है कि मैं उनसे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकूं. बेशक मैं कभी कोई ऐसी बात भी शायद बोल देता जो नहीं बोलनी होती थी, बट फिर भी मैं बोल देता. तो मेरी मम्मी कहती है मैं चाहती हूँ कि तू ना हमेशा ऐसे ही रहे, बच्चे का बच्चे ही रहे, बड़ा बन, क्योंकि तू बड़ा हुआ तो शायद तू मेरे हाथ से निकल जाएगा. तो अभी भी मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी यही बोलती है कि तू मेरा बच्चा है और तू बच्चा ही रहेगा मेरे लिए. तो तू जैसा है वैसे ही रहियो, ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत नहीं. मेरा ठीक है. आपके लाइफ में एक और चीज रही है कि पारस, आप अपने रिलेशनशिप्स की वजह से काफी चर्चा में रहे हैं, चाहे वो आपके डेटिंग के रिलेशनशिप. बदनाम रहूं. तो कभी वो बात आपको ज्यादा यू नो इफेक्ट करती है कि आप अपने काम के वजह से नहीं बल्कि रिलेशनशिप की वजह से न्यूज में रहे हैं? शायद मुझे लगता है अगर मैं काम की वजह से बदनाम होता तो ज्यादा मुझे दुख होता. रिलेशनशिप तो मेरी पर्सनल लाइफ है. मेरी पर्सनल लाइफ पे अगर कोई देख के अगर मुझको जज कर रहा है तो लाइक सीरियसली गेट अ लाइफ. हां, दैट्स माय पर्सनल लाइफ. अगर तुम मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरा काम तुमको अच्छा लग रहा है, बट तुम मेरी पर्सनल लाइफ को देख रहे हो कि मेरा किसके साथ रिलेशन है, नहीं है, छोड़ा, क्यों छोड़ा, वो सब मेरा पर्सनल है. वो सब मुझको कोई पसंद, हर एक का ऐसी होता है यार, किसके ब्रेकअप्स नहीं होते जी, किसके रिलेशंस नहीं होते. और जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा लड़का ही गलत होगा. लड़की भी गलत हो सकती है, चाहे वो कितने भी ब्लेम्स मारती रहे. और आजकल तो लड़कियां ज्यादा गलत होती है लड़कों से. लड़के फिर भी डरने लग गए क्योंकि आजकल कानून जो है वो लड़कियों के साथ ज्यादा है, तो लड़के डर के रहते हैं. तो यू नो, तो ऐसे वैसे तो मुझे देखो पता ही था कि जब मैं बिग बॉस जाऊंगा तो क्या होगा, तो इसलिए मैं कोई अच्छी बातें तो कर नहीं रहा था बिग बॉस के अंदर वो अपनी एक्स को लेके. तो कोई मतलब ही नहीं है बात करने का उसके बारे में, क्योंकि साफ साफ सभी लोगों को पता है, सभी मीडिया को भी पता है कि वो सब क्यों किया जा रहा था, किस किस दिमाग से किया जा रहा था और क्या लेने के लिए किया जा रहा था. तो वो हर कोई समझता है, तो इसके बारे में बात करके कोई मतलब ही नहीं. तो अभी ये भी सुन लिया तो कल नए नए आर्टिकल आ रहे होंगे फालतू. लेकिन जब आपको इसी चीजों के वजह से सुपरस्टार लाइक सलमान खान, उनके साथ थोड़ी अनबन हो गई, अनबन इन द सेंस वो थोड़ा नाराज हो गए, उनको लगा कि आपका टोन सही नहीं है और आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके लिए कितना स्कैरी मोमेंट था क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे थे और सलमान वहां पर नाराज हो गए थे? मैं सीरियसली बताऊं ना, मैं किसी भी चीज से डरता नहीं. अगर मैं डरता होता तो मैं सलमान सर से मैं झगड़ता ही. क्योंकि हर कोई कहता है सलमान सर से झगड़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी खराब है, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा. और अगर आप वो एपिसोड देखो ना ढंग से, तो मुझे साइड में सारे बैठे बोल रहे चुप हो जा, तो कभी काम नहीं मिलेगा, चुप हो जा. अरे मैं क्यों डरूं, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं क्यों डरूं, चाहे सामने वाला बंदा कोई भी हो, मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, मैं तो उससे बहस करूंगा कि भाई तू मुझे बोल कैसे सकता है ऐसी बात जो चीज है ही नहीं. जो चीज हो तो तुम बोलो, मैं आई एक्सेप्टेड, आई विल से सॉरी फॉर दैट. पर जो मैंने किया ही नहीं, मैं उस बात पे क्यों तुमको सही साबित करूं या मैं क्यों उसके लिए सॉरी बोलूं. मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया कि तुम जहां गलत नहीं हो तुम वहां पे भी सॉरी बोलो. जब मैं गलत हूं ही नहीं, एलिगेशन आप गलत लगा रहे हो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे कर रहे हो और इतना स्ट्रांगली पॉइंट रख रहे हो, और वो भी आपको देखने के लिए, तो पूरी दुनिया देखेगी यार. सैटरडे संडे का एपिसोड पूरी दुनिया देखती है. तो आप जो बोलोगे वो दुनिया के दिमाग में पड़ जाएगा कि हाँ ये बात है, तो प्लीज मत बोलो. तो अब सलमान भाई हैं वो, ठीक है, हम उनको भाई बोलते हैं, बड़े भाई हैं, तो भाई से हम झगड़ नहीं सकते क्या? झगड़ सकते हैं, बिल्कुल झगड़ सकते हैं. अगर उन्होंने भी मुझको, अगर वो भाई मेरे से झगड़ लिए, उन्होंने मुझको गाली दे दी, तो क्या हो गया? दे दी ना, बड़ा भाई है, कोई बात. मेरा भी तो झगड़ा हुआ, मैंने भी उनको बोला, उन्होंने भी मुझे बोला, बट एट द एंड ही अंडरस्टूड. हमारी फिर अच्छे से बातचीत हुई, बिल्कुल एंड तक ही वॉज गुड विद मी.
है ना। तो आखिरी में भी उन्होंने इतना प्यार दिया, जब वो पार्टी में भी गए तो भी उन्होंने इतना प्यार दिया, उनके दिमाग में वो बात थी नहीं। और सलमान खान सर को क्या फर्क पड़ता है, और ठीक है वो शो में थोड़ा बहुत हाइप देने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो उन्होंने किया तो मैंने भी मिलके कर लिया कि चलो ठीक है सर, लेट्स मेक इट अ हिस्ट्री। तो वो एक हिस्ट्री बन गई कि हाँ भाई सलमान सर मेरे से झगड़े थे और मैं भी झगड़ा था, तो पर कोई झगड़ा नहीं था, वो एक भाइयों वाली बातचीत थी, एक मेंटोर वाली बातचीत थी, मेंटोर ने डांट दिया अपने चेले को और चेला भी सही था तो वो भी झगड़ लिया कि नहीं मैं सही हूँ। तो इस चीज में कोई इतना जज करने वाली बात नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, कोई डिफिकल्ट टाइम नहीं होता, इससे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम मैंने देखे अपनी लाइफ में। एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन एक्सेप्ट माय गॉड, अगर भगवान ने एक फूंक मारी तो उड़ जाऊंगा, बाकी उससे नहीं डरता मैं। जिस तरीके से हम बार बार ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं पारस, हमने ये भी देखा कि यू नो काफी बार आप सही भी रहे तब भी ट्रोल हुए, कुछ टाइम आपकी गलती हुई आपने कुछ बोल दिया उसके लिए भी ट्रोल किया गया, काफी बार आपके यू नो पर्सनल लाइफ को लेकर ट्रोल किया गया आपको, आपके अपीयरेंस को लेकर ट्रोल किया गया आपको, हाउ डू यू डील विद दिस ट्रोलिंग? जो ट्रोल करता है ना, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, इस पे ना मैंने बहुत R&D करी कि ट्रोल करता कौन है और क्यों करता है, कैसे करता है। ट्रोल वो करते हैं हमारे ऑपोजिट जो कंटेस्टेंट्स थे उनका फैन बेस, और मुझे लगता है कोई फैन किसी का होता है ना तो वो सिर्फ अपने आइडल से प्यार करता है, दूसरों के लिए गंद नहीं लिखता। ये तो उस बंदे की, उस कंटेस्टेंट की कोई सोशल मीडिया टीम है जो बैठी हुई है 24 घंटे बकवासे करने के लिए, क्योंकि अभी तक बिग बॉस से आए हुए मुझको इतना टाइम हो गया, आई हैव मेट अ लैक ऑफ पीपल, मुझे आज तक मेरा कोई हेटर नहीं मिला, मुझे किसी ने हेट नहीं किया, मुझे सबने प्यार किया, है ना, मुझको काम आ रहा है, एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल्स फॉर वर्क। तो ये ट्रोलिंग किस चीज की, क्या हो जाएगा उससे, किसको किलसाना चाह रहे हो, मैं तो देख के नहीं किलसा। मेरे लिए मैटर इस वक्त क्या करता है बिग बॉस के बाद, कि मैं काम कितना कर रहा हूँ, मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ, लोग मुझे प्यार कितना कर रहे हैं, कि जितने लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं क्या वो मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, क्या वो मुझको मानते हैं कि मैं फोटो खिंचाने लायक हूँ उनके साथ। तो वो चीज मेरे लिए मैटर करती है। ट्रोलिंग व्रोलिंग ये सब एक सोशल मीडिया है जो कि एक फेक वर्ल्ड है, है ना। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी इंस्टाग्राम पे ऐसी पिक्चर्स डालता है कि जैसे वो एक बिल गेट्स की औलाद हो, है ना, उसमें इतनी कलर करेक्शन, ये वो, गाड़ी खुद की नहीं भी होगी तो मर्सिडीज के पास जाके फोटो खिंचाएगी जैसे मेरे बाप की है। तो दैट इज ऑल फेक। तो ये फेक है। तो जो ट्रोलिंग हो रही है वो सिर्फ कोई एक बंदा कर रहा है, दो बंदे कर रहे हैं, 10 बंदे कर रहे हैं, उससे मेरी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या जो लोग मेरे काम से इंप्रेस है और जो शायद मुझको मेरे काम से देख के मुझे आगे काम देंगे, उनको ये ट्रोलिंग देख के कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये होता है, अच्छा ये बंदा इतना फेमस है इसकी ट्रोलिंग भी होती है, अरे वाह, क्योंकि ट्रोलिंग भी उसी की होती है जो बंदा फेमस होता है, जिस बंदे की वैल्यू होती है। तो अच्छी बात है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फेम। जैसे फेम जब आता है तो वो कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी साथ लेके आता है। तो पॉजिटिविटी उसकी यही है कि आपको लोग प्यार करते हैं और लोग आपके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, और नेगेटिविटी यही है कि कुछ हेटर्स होते हैं जो कि एक ट्रोलिंग सेशन बना के रखते हैं और वो ट्रोल करते रहते हैं। तो मुझे ट्रोल देखने में मजा भी बहुत आता है कि चलो एटलीस्ट कि लोगों के पास इतना टाइम तो कि हमारे बारे में सोच के घंटों वीडियो एडिट करके ये सब बनाते हैं हमारे लिए, कुछ अच्छी वीडियो बनाते हैं, कुछ बकवास बनाते हैं, और बकवास वीडियो जो होती है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो उससे क्या है कि एटलीस्ट पॉपुलर हो रही है, बेशक उसे मैं दिख रहा हूँ, एटलीस्ट लोगों के दिमाग में छपता तो जा रहा हूँ, अरे पारस कल को मिलेंगे तो फोटो ही खिंचाएंगे, हेट नहीं करेंगे, मुझे वो ट्रोलिंग नहीं दिखाएंगे, ये देख भाई ये देख, मजाक नहीं बनाएगा कोई मेरा। तो डजंट मैटर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ट्रोलिंग व्रोलिंग से। जब आपके अपीयरेंस को लेकर यू नो जब आपके बालों को लेकर मजाक बनाया तो वो टाइम आपके लिए क्या डिस्टर्बिंग था, या आपने उसको भी पॉजिटिव स्ट्राइड में लिया? इसमें मजाक क्या है, इसमें कोई मजाक नहीं है, इसमें कोई मजाक बनाएगा भी तो क्या मजाक बनाएगा, कि क्या मुझे आज तक किसी ने बिना बालों के देखा है? नहीं देखा है। जब देखोगे तो बना देना, अभी तुम अपनी इमेजिनेशन से तुम कुछ भी बना रहे हो तो बनाओ। अब रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, शाहिद कपूर है, हॉलीवुड का क्रिस हेम्सवर्थ है, ये सब जब फिल्में करते हैं, जो एवेंजर्स जैसी फिल्में करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, ये लोग भी तो लगाते हैं,
एक्सटेंशंस इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप कोई भी जब हम कपड़े पहनते हैं, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ये तो नहीं कि रोज एक ही कपड़े पहन के घूमते, तो उसी तरीके से एक अपीयरेंस होता है। आप अपनी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट करी, सो व्हाट्स द बिग डील, आई एम एन एक्टर, आई कैन बी अ शेप शिफ्टर एनी टाइम, मैं कुछ भी शेप शिफ्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर। तो अगर इस चीज को मेरी वीकनेस समझ के अगर ये लोग मेरा मजाक बनाते हैं, तो उससे मेरे काम को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, पीपल आर गिविंग मी वर्क बाय नॉट सीइंग माय हेयर, माय सीइंग माय पर्सनैलिटी, माय सीइंग माय वर्क, माय एक्टिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं ये चीजें करके भी अच्छा ही दिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? और अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं है तो तुम भी अच्छे लग लो वो चीज करके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। तो अगर आप मजाक बनाते हो तो वो आप एक्चुअल में अपनी पर्सनैलिटी बताते हो, क्योंकि देयर इज अ बाल्ड मैन एंड देयर इज अ फ्यूचर बाल्ड मैन, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, होना ही है हर एक को। किसी का जल्दी हो गया, किसी का बाद में हो गया, किसी का कोई केमिकल्स का रीजन की वजह से हो गया, किसी का कोई सप्लीमेंट्स की वजह से रीजन हो गया, किसी का जिमिंग की वजह से हो गया। तो रीजंस बहुत सारे होते हैं, और आज की डेट में मुझे लगता है जो यूथ है ना, बहुत सारा यूथ इसी चीज से गुजर रहा है। तभी आजकल आप देख रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट के इतने जगह डॉक्टर्स खुल चुके हैं, हेयर विक्स के इतनी जगह वो खुल चुके हैं, और हमारी इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा ये चीज है, सबसे ज्यादा। अगर अभी मैं नाम बताने पे हूं तो शायद वो लोग ऑफेंड हो जाए जिन लोगों ने हेयर वीविंग कराई हुई है, या जिस अभी भी जैसे बिग बॉस में भी ऐसे तीन लोग थे जो हेयर पैच लगा के आए थे, पर उनकी चीज बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि शायद मे बी उन्होंने लास्ट टाइम मेरा देख के कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लियो। बट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, व्हाई यू हैव टू बी शेम ऑफ इट? शेम नहीं कर सकते आप इस चीज को। मेरा तो आगे प्लान है कि मैं आगे आने वाले कुछ टाइम में गानों में मैं आने वाला हूँ बाल्ड, बाल्ड करके आऊंगा मैं। मुझे पता है मैं उसमें भी अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकता हूँ। तो जब मैं अपने आप को कैरी कर सकता हूँ और मैं फिर भी अच्छा दिख रहा हूँ, और मेरे पास इतनी सुंदर लड़की भी है मेरे साथ रिलेशन में, हु इज नॉट जजिंग मी बाय सीइंग ऑल दिस, तो कमी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? या तो भाई तुम बोलो कि तू गंदा दिखते देखो तो लड़की नहीं मिलेगी ऐसे। हाँ, लड़कियां तो मुझे मिल रही है, लड़कियों के मैसेज आते हैं रोज की, यार यू लुक गुड, ये वो करके, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और लड़कियां कौन सी कम है यार आज की डेट में, जितनी एक्ट्रेसेस हैं, जो एक्ट्रेसेस नहीं भी हैं वो भी एक्सटेंशन लगा के घूमती है टू लुक गुड। किसी के स्कैंटी बाल होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के शॉर्ट होते हैं, कोई लंबे रखता है, कोई शॉर्ट रखता है, तो क्या हो गया? मतलब इतनी बड़ी बात कहाँ होगी? तो जो मजाक बनाते हैं तो वो मुझे लगता है उनकी मेंटेलिटी है, छोटी मेंटेलिटी है। तो जो लोग छोटी मेंटेलिटी में, और मतलब दुनिया में काफी लोग है छोटी मेंटेलिटी वाले लोग, बड़ी मेंटेलिटी वाले लोग, तो जिनकी छोटी मेंटेलिटी है मुझे लगता है आगे जाके वो थोड़े बस समझ जाएंगे, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। और इवेंचुअली देखो इतना टाइम हो गया था, सब लोग भूल ही गए थे इस बात को, तो मैं खुद भूल गया था। पर ठीक है, अभी बात हो रही है तो आई डोंट माइंड बोलने में कि हाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि रहूंगा तो मैं मर्द ही ना उसके बाद भी। ऑल्सो पारस, हमने देखा जब आप बिग बॉस 13 में थे तो आपकी दोस्ती जो थी सिद्धार्थ के साथ बहुत पक्की थी, और आप माहिरा और शहनाज आप तीनों ऐसे थे जब पूरा घर उनके यू नो ऑपोजिट हो गया था, और कुछ लोग उनसे जानबूझ के लड़ाई करते थे या कभी उनकी लड़ाई हो भी जाती थी तो आप लोग हमेशा उनको यू नो सपोर्ट करते थे और उनको कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। लेकिन जब आप लोग बिग बॉस के बाहर आए, हमने आपको उतना ज्यादा मिंगल करते हुए सिद्धार्थ के साथ नहीं देखा है, तो यू नो काफी लोगों का ये भी मानना होता है कि क्या ये दोस्ती सिर्फ शो के लिए थी? नहीं, ऐसा नहीं है कि शो के लिए दोस्ती थी, शो में दोस्ती हुई थी हमारी, और वो कोई जबरदस्ती वाली दोस्ती नहीं थी, वो जेन्युइन दोस्ती थी, वो सबने देखा था। और शहनाज से हमारा बीच में थोड़ा बहुत कटने लग गया था शो के अंदर ही, तो वो वहीं पे शो में ही कटने लग गया था, ऐसा कुछ नहीं कि बाहर जाके कुछ अलग स्पेशल हो गया हो या कुछ भी। अभी देखो बिग बॉस 13 करने के बाद ना तीन कपल्स ऐसे आए हैं जो कि कर रहे हैं काम, है ना, तो ये मुझे लगता है यही लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, और हर कोई अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि ये सब मिलने का प्लान नहीं हो पा रहा है या फोन पे बातचीत नहीं हो पा रही है। बाकी हाय हेलो ट्वीट वीट वो तो सब छोटे मोटे चलते रहते हैं, बट मुझे लगता है जब कभी टाइम मिलेगा, जब कभी आपस में मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे, एंड देन यू माइट गेट अ चांस टू सी अ वीडियो ऑल्सो, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोस्ती नहीं, हमारी दोस्ती खराब है या फिर हम एक दूसरे को हेट करते हैं शो के लिए था,
नहीं मुझे नहीं लगता कभी मिलेंगे, शायद आमने सामने तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, जेस्चर होंगे हमारे, पर हाँ ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी, हम भी बिजी हैं, वो भी बिजी हैं, तो ऐसा मिलना जुलना हो नहीं पाता। लास्टली बिफोर रैपिंग अप, अभी आपने बातों बातों में कहा कि लड़की भी है मेरे पास, बहुत खूबसूरत सी लड़की है मेरे साथ, हाँ। तो क्या हम मान ले कि आने वाले वक्त में माहिरा और आप ऑफिशियली अनाउंस करेंगे दैट यू गाइस आर टुगेदर? हाँ, जब कुछ होगा तो ऑफिशियली क्यों नहीं अनाउंस करेंगे, पहले कुछ हो तो सही। तो अभी भी फ्रेंड्स ही हैं आप लोग? फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलना तो देखो, हमने तो एक दूसरे को शूम भी फ्रेंड्स नहीं बोला, फ्रेंड्स मतलब रहे हैं, लेकिन वी आर लाइक फैमिली, है ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज को एक रिलेशनशिप में मोल्ड करके ही आगे बढ़ा जाए, है ना। वी कैन ट्राई समथिंग न्यू, है ना, हम कुछ ऑडियंस को कुछ नया दे सकते हैं कि यार फ्रेंडशिप के साथ भी आप अपने रिलेशनशिप को कायम रख सकते हो। क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि ना, जब रिलेशनशिप हो जाता है तो फिर ना इंसान ना बहुत ज्यादा हक जमाने लगता है। अभी माहिरा भी उस स्टेज पे है कि शी इज ऑन अ ग्रोइंग स्टेज, आई एम ऑल्सो ऑन अ ग्रोइंग स्टेज, वी आर ग्रोइंग। अगर हम रिलेशनशिप में बन गए तो हम शायद एक दूसरे को रोक सकते हैं किसी की चीज को लेके, यार हम मुझको ये चीज अच्छी लग रही मत कर, या वो मुझे रोक सकती है यार तू ये मत कर। तो हम दोनों इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे को अभी काम के लिए सपोर्ट करें रेदर देन बीइंग इनटू रिलेशनशिप और वो सब करके चीजें आगे जाके खराब करें, है ना। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जितना घटिया एक्सपीरियंस रहा है, उन घटिया एक्सपीरियंसों को मिला के ये मैंने एक गुत्थी बनाई है कि हाँ वी शुड डू लाइक दिस, क्योंकि प्यार है अंडरस्टूड, एक दूसरे के साथ रहेंगे अंडरस्टूड, और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे वो भी अंडरस्टूड है, पर एक दूसरे को रोकेंगे नहीं कभी लाइफ में, है ना। कभी किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, क्योंकि जितना कम एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा लाइफ में आपको मिलेगा। Once you start expecting more and more in life, और जब आपको नहीं मिलता, then you get irritated, then you start fighting. So I don't want all that. Right. और वो माहिरा को भी नहीं चाहिए, वो माहिरा सब समझती है, समझदारी से समझती है। और इसी इसी you know answer से मेरा और एक question निकलता है कि जैसे आपने कहा you know past relationships experience अच्छे नहीं रहे हैं, तो क्या कभी वो डर भी आता है कि you know because you have been into bad relationships previously, आप थोड़ा स्केप्टिकल हैं टू फॉल इन लव अगेन? नो नो, कौन बोला, मैं तो प्यार में हूं ऑलरेडी, आई डू लव माहिरा, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप से जो मुझको एक एक्सपीरियंस मिला, वो ये मिला कि काम के लिए रोका जाता था कि ये मत करो, वेब सीरीज में किस सीन है प्लीज मत करो, डोंट डू इट, सीरीज ही मत करो। अरे भाई, मुझे कैसोनोवा बना के शो के अंदर लेके गए हैं, कल को मुझे वेब सीरीज मिलेगी तो शायद ऐसी मिलेगी कहाँ जहां मुझे शायद किस करना ही पड़ेगा। हाँ, तो आजकल वेब सीरीज में ये सब सीन चल ही रहा है, दौर तो चल ही रहा है, पर एटलीस्ट एक कहते हैं ना, सिंपल अगर कोई वेब सीरीज है तो हो सकता है एक रोमांटिक किस भी हो सकती है, एक छोटा सा पैग हो सकता है। सो यू कैन स्टॉप मी बाय सेइंग कि नो आप ये मत करो, दैट्स माय प्रोफेशन, आई हैव टू डू इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती थी पहले कि है ना ये मत करो वो मत करो, और उससे क्या होता है, नेगेटिविटी होती है, तो सामने वाला बंदा आपके बारे में ये सोचता है कि यार ये क्यों कर रहा है। तो आई डोंट वांट दैट नेगेटिविटी इन माय लाइफ, आई वांट कि जो मुझे पुश करेगी यस डू इट, अगर मेरा मन भी नहीं है कि यार मैं नहीं कर सकता केस, तो वो बोले नहीं तू जा कर, पागल है क्या, क्यों नहीं करना, डू इट, सीन वेब सीरीज अच्छी है, मूवी अच्छी है, व्हाई यू सेइंग नो फॉर दिस, एक छोटी सी बात की वजह से। तो वैसा वैसा एक वैसी चीज मुझे लगता है सिर्फ एक फ्रेंड ही करते हैं, रिलेशनशिप में ये चीजें नहीं होती, है ना, ये तो आप समझते होगे। बिफोर रैपिंग अप, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, पाहिरा फैंस, पारस छाबड़ा फैंस, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं? मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूंगा कि जितना आप लोग सपोर्ट करते हो उतने ही हम और स्ट्रांग होते जाते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमको और स्ट्रांग करते जा रहे हो, मेंटली भी, और पीछे से आप लोगों का पुश भी आता है। आज मैंने एक अपने टैग पे देखा था, इंस्टाग्राम पे टैग पे देखा था कि पाओ मतलब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कोई कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, और उस पर लिखा था पाहिरा, और नीचे लिखा था पाहिरंस, कि पाओ यहाँ रखा हुआ था किसी ने, कि दैट वी आर विद यू, वी आर योर सपोर्टर्स, सो डोंट वरी। तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे फैंस जो है वो इतने सपोर्टिव हैं, इतना प्यार करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, बस प्यार ही करते रहो, और हेटर्स जो हैं आप हेट करते रहो या प्यार करते रहो, कुछ भी करो, बट याद जरूर रखोगे,
ढूंढने नहीं दूंगा मैं, समझे? थैंक यू सो मच पारस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. हम उम्मीद करते हैं फ्यूचर में और अच्छा काम करेंगे और बड़ा नाम बनेंगे आगे जाकर. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बस आपका आशीर्वाद रहे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे. गिव माय रिगार्ड्स टू माहिरा. श्योर श्योर विजय, श्योर. बाय, टेक केयर. ऑलराइट, बाय बाय.